रावी और शिवा यानी कि एलिस और कवर भी सेट पर ही अपनी हैप्पी दिवाली मना रहे हैं लक्ष्मी जी का पूजन करके और साथ ही अपने बचपन की यादें ताज़ा भी कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं दिवाली की वो बातें जो इन्हें बहुत पसंद है। लक्ष्मी पूजन से हमेशा शुरुआत करते हैं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह सुबह जाके पटाखे फोड़ देते हैं, लेकिन हमारे घर पे हमेशा पहले शाम और उसके बाद ही पटाखे फोड़े जाते हैं। कोई नहीं करता आजकल, बच्चे रात को 12 बजे शुरू हो जाते हैं। हाँ, मतलब पिछली रात को शुरू हो जाते हैं। दिवाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। लोग सब मिलते हैं, एकत्र होते हैं, गैदरिंग होती है, काजू कतलियाँ खाई जाती हैं, डब्बे ख़त्म किए जाते हैं, हर जगह उजाला ही उजाला होता है। जब दिवाली में इतना उजाला होता है ना पूरे शहर में, तब ऐसा लगता है पूरा शहर ना 365 ऐसे ही रहना चाहिए। और आपकी ज़िंदगी में भी कितनी रोशनी आ जाती है दिवाली के साथ साथ। दोस्तों, जिसका नाम रोशनी है उसकी ज़िंदगी में कितनी रोशनी आती है। यार, मुझे तो नॉर्थ की दिवाली बहुत पसंद है, क्योंकि मुंबई में भी अच्छी दिवाली होती है। सब इतना सजा देते हैं अपने अपने घरों को लाइट से, फ्लावर्स से, कि रात को दिवाली सब सेलिब्रेट करने के बाद ना निकलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे और देखते हैं और उनको अच्छा लगता है। मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं सब लोग कि कहाँ कैसी सजावट हुई है, देखिए, यू नो, दैट गिव्स यू द प्रॉपर फील ऑफ दिवाली, जो मुझे मुंबई में इतना दिखता नहीं है। तो हाँ, मतलब घरों में बस एक एक लाइट, दो दो लाइट। नहीं, 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 ऐसा नहीं है, मुंबई में होता है। मुझे लगता है ऑफ लेट थोड़े लोग ना पिछले 3-4 सालों में थोड़े शांत हो गए हैं, थोड़ा आई थिंक रियलिस्टिक हो गए हैं दिवाली को लेके। बिकॉज पहले होता था कि सड़कें पूरे पटाखों से भरे हुए और हर जगह गंदगी। हाँ, सो आई थिंक ये लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है ऑफ लेट, विच इज़ गुड हमारे इकोसिस्टम के लिए, एनिमल्स के लिए, पोल्यूशन के लिए। थोड़ा सोच के अगर मुझे लगता है गवर्नमेंट को पटाखे ही बंद कर देने चाहिए। या डेफिनेटली आई एग्री। हाँ, मुझे सुबह सुबह उठ के ना नहा के पूजा करके रंगोली बनाना बहुत पसंद है। जैसे कि एलिस से बताया कि नॉर्थ में बहुत पूरी चकाचौंध होती है, सब जगह पूरे बंगले भरे होते हैं। मेरी जितनी दिवालियाँ हैं टिल माई सेकेंडरी सेक्शन ऑफ स्कूल, वो हर दिवाली में अमृतसर में होता था अपने नेटिव प्लेस में। तो ये जिस नॉर्थ के दिवाली की बात कर रही है, मैं तो वही दिवाली में पला बड़ा हूँ। तो बस ढेर सारे पटाखे होते थे, पंजाब की ठंडी होती थी, एंड वो एक रिचुअल था हमारा कि दिवाली बुआ के घर पे ही बनेगी अमृतसर में। तो अब तो वो रही नहीं, तो काफ़ी साल से हम गए नहीं। तो अभी पटाखे तो मैंने फोड़े नहीं बहुत साल से, जब से हमारे पास एक पेट डॉग था घर में, क्योंकि वो बहुत परेशान होता था और उसको देख के मैं परेशान होता था। तो वो देख के मैं समझा कि जानवरों को बहुत तकलीफ होती है। तो पटाखे तो बहुत साल से नहीं फोड़े मैंने, थोड़ी फुलझड़ी जला लेता हूँ, अनार जला लेता हूँ, दैट्स इट। बट उसके अलावा आई थिंक हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारी थोड़ा सुन सकते हैं और अगर आप हमें थोड़ा फॉलो करना चाहते हैं तो थोड़ी इको फ्रेंडली दिवाली रखिए। पटाखे अगर अवॉइड हो सकते तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि जानवर बहुत परेशान होते हैं। जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो वो तो प्लीज़ 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 मत फोड़िए, क्योंकि छोटे छोटे किटन्स, पपीज, ये सब डर जाते हैं। और काफ़ी लोग तो इतने ख़राब भी होते हैं, आई एम सॉरी टू से, कि वो जानबूझ के उन्हें डराने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए करते। तो प्लीज़ ऐसा। और जानवरों को हमसे भाई 10 गुना ज़्यादा तेज़ सुनाई देता है, तो ह्यूमन कैपेसिटी जितनी है उससे 10 गुना ज़्यादा सुनाई देता है। मतलब आप सोचो, एक बॉम्ब आप फोड़ते होगे तो क्या हालत होती होगी। हाँ, दे गेट रियली स्केयर्ड। या सो सेलिब्रेट विद योर फैमिली। छोटे मोटे अगर आपको अपने शौक के लिए दिवाली लगानी है और एक दो अनार वनार फोड़ने, वो सब करो, बट जितना हो सके अवॉइड करो, कॉन्शियस दिवाली करो। एंड या हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली।